प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का तीसरा पाठ लगड़हरा पर्वत देखेंगे। इस पाठ के लेखक है अरविंदर भटनागर जी। इस पाठ में का जो दूसरा दृश्य है वह आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा दृश्य। मंच पर लगड़हरा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हरा, जाता हूं भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे और उनकी जगह खड़ी हो रही है सीमेंट की जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसी ही साफ करें। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी को साफ करने की वह बात कर रहा था। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? लकड़हरा चौंक कर, कौन? आसपास वो नजर दौड़ाता है और कहता है, कौन? पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूं। लकड़हरा कहता है, डर कर, कौन? भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। लकड़हरा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पर क्यों मार कर रहे हो? लकड़हरा, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में तो दुख आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हरा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हरा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ोगे? लकड़हरा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन इसी बीच में लकड़हरा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हरा खामी भरता है। उसी समय पर्दा गिरता है। यह था लकड़हरा और वन का दूसरा दृश्य। धन्यवाद।